जो ये है ना सच में दिखा होगा ये फंस पे 16 नंबर में अरविंदो पिता में अरविंदो कौन ना चले के काले काले चर्चा बसा के उसे आता है आधार कमी है हाथ भाई आप डीसी साहब आएंगे अगर साहब के संपर्क में रहेंगे हम लोग के संपर्क में रहेंगे बेटों का हर लेगा बुढ़ापे का सहारा बनाएगा मैं बहरी हो गई हूँ मैं कान का इलाज कराएगा बेटा है भी लेकिन दोनों प्राणी भूखे प्यासे रह रहे हैं कोई देखने वाला आप लोग साथ ना दे कोई देखने वाला भी नहीं है तो मान लिया पुत्र हुआ कुपुत्र हुआ कोई फायदा हुआ बेटा हो गया साहब क्यों तो गलत रास्ते पर चल पड़ा है और क्योंकि अम्मा कहाँ है मैं मिलना चाहता हूँ फिर से कहाँ जाऊँ जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि माओवादियों के गढ़ कहे जाने वाले अत्यंत दुर्दांत माओवादी अजय महतो के गांव में पुलिस आपके द्वार या पुलिस आपकी सेवा में पूरे समर्पण के साथ हम गांव वाले के साथ एक ह्यूमन टच देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस गांव में जो विकास की प्रक्रिया होती हो सके और जो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो भी वापस अपने घर वापस आ सकें। अभी इसी परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ के बच्चा लोगों के लिए यहाँ के आम लोगों के लिए महिलाओं के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें इन लोगों के जो समस्याएं हैं उसके समाधान पुलिस के स्तर से किया जाएगा जैसे कि आप सब देखे हैं कि इस गांव में बताया गया कि पीने के पानी की विकट समस्या है तो पुलिस की तरफ से प्रशासन की तरफ से यहां पे पानी की व्यवस्था की जा रही है कुछ बहन की शादी होनी है जो कि अपनी गरीबी के चक्कर माँ बाप उन शादी नहीं करवा पा रहे हैं तो हम लोगों ने प्रयास किया है प्रशासन के स्तर से उनकी सहायता की जाए साथ ही कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखे में सक्षम हैं लेकिन अपनी गरीबी से पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उनको इस गरीबी से निकाल के और दुनिया में वो अपने विकास के चरम मार्ग प्रशस्त कर सके इसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे एक कैंपेन किया है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी भीड़ है और इस तरह के प्रोग्राम हम लोग और जारी रहेंगे और प्रयास करेंगे कि वैसे गांव जो अभी तक अनटच था और जो माओवादियों के संगीन की साए में जी रहा था वहाँ पर लोग एक आम भारतीय नागरिक रूप में जिंदगी जिए और प्रशासन उसके सर्वांगीण विकास के लिए आगे प्रशस्त हो सके इस दिशा में हम लोग का ये एक मुहिम है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये मुहिम एक व्यापक परिवर्तन लाएगा।